हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें हैज़ फाइव रखा गया है। डेनमार्क ने बनाया है कोरोना वायरस के लिए स्वॉब टेस्ट करने वाला रोबोट। रोबोट के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार का ये स्वॉब टेस्ट का रोबोट बनाया गया डेनमार्क के द्वारा। हाल ही में डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो लोगों को कोविड-19 संक्रमण का टेस्ट बिना मानवीय सहायता से खुद ही करेगा। मतलब ये है कि इस रोबोट के माध्यम से जो कोरोना वायरस है, इसका टेस्ट किया जाएगा, किसी भी प्रकार का मानवीय योगदान इसमें नहीं होगा। बात करते हैं फिर से एक बार स्वॉब टेस्ट के बारे में और इस रोबोट के बारे में। स्वॉब टेस्ट नाक या गले के अंदर एक लंबा सा ईयरबड जैसा दिखने वाला स्वॉब डालकर सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। इसे 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है। ये जो रोबोट है, इसे 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है, जो कि स्वॉब टेस्ट करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ बात करें इस रोबोट के बारे में, तो यह रोबोट बिना PPI पहनकर ही सैंपल लेगा। वह रोबोट न ही थकेगा और न ही एक तरफ के काम को लगातार करके उबेगा। जिस प्रकार मानव या फिर इंसानों के द्वारा कोई काम लगातार करने से वो ऊब जाता है, तो ये गुण इसमें नहीं है। ये लगातार 24 ईयर काम करेगा और लोगों का टेस्ट करेगा, और यह कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का मानना है। इसी के साथ कैसा लगा आपका सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जीव विज्ञान की ये जो सीरीज चल रही है, इसका ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़रूर ज़रूर रिप्लाई दिया करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।